नमस्कार दोस्तों, अनवश्य साचा के दूसरे एपिसोड में मैं रविकांत आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले 5 साल में बहुत सुर्खियों में रहा, जिसे हम लोग JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ये अचानक JNU पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बना और उसके पीछे उसकी एक नकारात्मक छवि जो गढ़ी गई, 9 फरवरी 2016 की घटना जो JNU में हुई, उस घटना के बाद मीडिया के कुछ बड़े संस्थानों ने और सत्ता तंत्र ने खास करके JNU को एक देशद्रोही के अड्डे के रूप में पेश किया, एक ऐसे शिक्षण संस्थान के रूप में पेश किया कि जहां देश विरोधी नारे लगते हैं, और कुल मिलाकर के उस पूरे शिक्षण संस्थान की देशभक्ति, उसकी विवेकशीलता और उसकी बौद्धिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। अभी फिर से JNU सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है कि JNU के तमाम छात्र, तमाम छात्राएं आज भूख हड़ताल पर हैं। अभी तमाम भूख हड़ताल से पीड़ित होकर के, बीमार होकर के अस्पताल जा रहे हैं, और विश्वविद्यालय का प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये मांगे क्या हैं? क्या JNU इस तरह का शिक्षण संस्थान है कि जिसको लेकर के पूरे देश में एक नकारात्मक छवि बनी है? और अगर वो ऐसा है तो फिर उन तमाम छात्रों की मांगे निश्चित रूप से नाजायज होंगी, और नाजायज होंगी तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत क्या है? लेकिन दोस्तों, JNU एक ऐसा संस्थान है कि जिससे सत्ता तंत्र की आंखों में वो चुभता है, क्योंकि JNU सवाल खड़ा करता है। और सवाल क्या होते हैं? सवाल वही होते हैं कि चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो राजनीतिक दल अगर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करता है, अगर लोगों में एक रंगी विचारधारा को पेश करने का काम करता है, अगर विपक्ष में लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, सही सवाल नहीं पैदा करते हैं, तो JNU उन पर सवाल खड़ा करता है। JNU वो शिक्षण संस्थान है कि जिस पर NI2 इंडिया में डेविड सैंडबोर्न 50 पेज लिखता है। आपातकाल के समय पर JNU में जो घटित हुआ, उस पर शाह कमीशन की रिपोर्ट में JNU पर कई पन्ने रंगे जाते हैं। वो JNU है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद गांधी का आज का पता कहते हैं। JNU वो विश्वविद्यालय है कि जहां के छात्र पढ़ करके देश और दुनिया में नाम करते हैं, काम करते हैं, और ऐसा काम करते हैं कि जिससे देश की तरक्की का रास्ता तैयार हो। वो ऐसा काम करते हैं जिससे मनुष्यता में वृद्धि हो। वो गांधी के मूल्यों को, वो मार्क्स के मूल्यों को, वो बाबा साहब और फूले के मूल्यों को वहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है। और जब विचार विमर्श किया जाता है, वो जो संवाद की परंपरा है, उस संवाद की परंपरा को प्रश्नांकित किया गया, और इसीलिए JNU एक बड़े संस्थान के रूप में उसकी एक नकारात्मक छवि गढ़ी गई। आज की जो मांग है, आज की जो व्यवस्था है JNU के छात्रों की, उसको समझने के लिए JNU के थोड़े अतीत में जाना पड़ेगा। और अतीत ये है कि 1969 को जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इंदिरा गांधी सरकार ने इस संस्थान की नींव रखी, और इसके पीछे वही गांधी का फेवियन समाजवादी विचारधारा थी कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया जाए जिसमें तमाम विचारधाराओं के बीच संवाद हो, जिसमें ज्ञान विज्ञान के नए अनुशासन ही नहीं, नए विमर्श भी हो, और एक ऐसा संस्थान हो जो पूरे भारत का ही नहीं, कमोबेश दुनिया का प्रतिनिधित्व करता हो।
और उसके उस विजन के अनुसार ये विश्वविद्यालय खड़ा होता है। 1970 में एक नया प्रयोग हुआ जेएनयू में, और वो प्रयोग ये था कि वहाँ पर छात्र संघ का संविधान लिखा गया। जेएनयू पहला संस्थान है कि जहाँ पर छात्र संघ का बाकायदा लिखित संस्थान है। 1972 में पहली दफ़ा छात्र संघ का चुनाव होता है। बीसी कोसी वहाँ के पहले छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाते हैं, और उसी समय प्रकाश करात से लेकर के रमेश दीक्षित, तमाम जो आज के राजनीति करने वाले लोग हैं या प्रशासन में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं या तमाम शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े एकेडमिशियन हैं, ये उसी समय जेएनयू के उस प्रांगण से निकल करके बाहर आए थे। और उन तमाम छात्रों ने जेएनयू का एक विज़न पैदा किया था, एक विज़न खड़ा किया था, और वो विज़न उस छात्र संघ के उस संविधान में निहित था। और इतना ही नहीं, उस चुने हुए छात्र संघ ने अपने और तमाम साथियों के साथ मिलकर के जेएनयू की रिजर्वेशन पॉलिसी पर काम किया। रिजर्वेशन पॉलिसी, जी हाँ, जिस पर अभी नए सिरे से बातें हो रही हैं। आज की जो सत्ता है और सत्ता के पीछे जो बड़ी ताकत के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके सर संघ चालक ये कहते हैं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, या उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब संविधान की रिव्यू की बात करती है तो उसका निशाना हाशिए के समाज ने यही समझा था कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जेएनयू की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, जो खास करके प्रवेश को लेकर के रिजर्वेशन पॉलिसी थी, वो पॉलिसी भी वहाँ के छात्रों ने बनाई थी। और उसमें जब उस पर विचार विमर्श हुआ तो पिछड़ेपन के आधारों को तलाश किया गया, और पिछड़ेपन के आधारों में जाति, समुदाय, क्षेत्र और लिंग, ये आधार बनाए गए। लिहाजा पहली ही दफ़ा उस रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर 1973 में जब प्रवेश हुए तो जेएनयू में हिंदुस्तान के तमाम हाशिए के समुदाय, तमाम पिछड़े क्षेत्रों के नौजवान और ऐसे घरों के बच्चे आए जिनकी बैकग्राउंड बहुत बेहतर नहीं थी, ऐसी लड़कियां उभर करके आईं जो जेएनयू में नहीं आती तो शायद उन्हें इतना अवसर नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के तब से लेकर के और पिछले 4-5 साल पहले तक जाएं तो जेएनयू ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी, खास करके मानविकी और समाज विज्ञान के विषयों में, कि जेएनयू सिर्फ पढ़ाई का संस्थान नहीं है, जेएनयू लड़ाई का भी संस्थान है। और वो लड़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई होती थी उन तमाम सामाजिक मुद्दों की, उन राजनीतिक प्रश्नों की, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों की, कि जिस पर बैठकें होती थीं, जिस पर परिचर्चा होती है, जिस पर संवाद होता है। तो जेएनयू ने जो अपने कैंपस के प्रश्न थे वहाँ से लेकर के भारतीय और वैश्विक प्रश्नों पर जो लगातार बहस होती थी, वो बहस पिछले 4-5 साल में बेहद कम हुई है। कम क्या हुई है, बल्कि उसको जबरन दबाया गया है। और ये बहस जो होती थी उसमें शाम को हॉस्टल्स में पर्चे बांटे जाते थे, पोस्टर लिखे जाते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, कहीं गीत कविताएं होती थी। ये जो जेएनयू की संस्कृति थी, उस संस्कृति पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। और उस संस्कृति पर कुठाराघात करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आज की जो सत्ता है, जिसे मैं विशुद्ध रूप से सवर्णवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता की सत्ता कहता हूँ, उस सत्ता को ये बर्दाश्त नहीं है, या उसके पीछे जो सांस्कृतिक संगठन है उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि आरक्षण के माध्यम से पहले तो 73 में जो पॉलिसी बनी वो, और उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो पिछड़े वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला, उसके बाद जो विस्तार हुआ, उस विस्तार के कारण
जो तथाकथित शूद्र जातियां थीं वो बहुत तेजी से JNU जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश करती हैं और अपना एक मुकाम बनाती हैं। दरअसल जिसे हम प्रतिभा कहते हैं या जिसे प्रतिभा कहा जाता है, वो प्रतिभा अवसर के बलबूते फलती फूलती है। अगर किसी व्यक्ति को अवसर ही नहीं मिलेगा तो उसकी प्रतिभा का कैसे आकलन होगा। JNU वो शिक्षण संस्थान है कि जो अवसर उपलब्ध कराता है दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, और जो अल्पसंख्यक गरीब तबके हैं या सवर्ण ही क्यों ना हो जो गरीब तबके हैं, वहाँ जो माहौल है उस माहौल में भारत से अलग वो कभी कभी दिखता है और ये पहचान भी होती है कि वो एक ऐसा टापू है जो पूरे भारत की बौद्धिकता का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे भारत से अलग हट करके वहाँ के जो सवर्ण विद्यार्थी भी हैं वे भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। ये सिर्फ JNU में ही दिखाई देता है। JNU के विद्यार्थी सामाजिक संरचना और सामाजिक न्याय को समझते हैं, इसीलिए वे भी लड़ाई में शामिल होते हैं। तो दरअसल ये जो JNU की अपनी संस्कृति थी और JNU का जो सामाजिक ढांचा था, उस ढांचे को तोड़ने के लिए इस सरकारी तंत्र के द्वारा, JNU प्रशासन के द्वारा उस पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया। और इस वर्ष जो प्रवेश हुए हैं उस प्रवेश में, या जो प्रवेश होने जा रहे हैं उसमें, जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था उसे खत्म कर दिया गया है। इसीलिए आज वो छात्र धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अगर हाशिए के तबकों को, अगर गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के नौजवानों को अवसर के लिए JNU जो निर्धारित करता था, जो अवसर उपलब्ध कराता था, अब अगर उन पर प्रहार हो रहा है और वहाँ के छात्र अगर उसकी मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? इतना ही नहीं, ये जो माहौल बनाया गया 9 फरवरी 2016 की घटना के बाद और एक राष्ट्रवाद का पूरा माहौल खड़ा किया गया, उस राष्ट्रवाद के डिस्कोर्स में एक नई थ्योरी को, जो आज की नहीं है, वो थ्योरी वाले लोग, उस अवधारणा को मानने वाले लोग, वो 1925 से चले आ रहे हैं, जिनके मंसूबे कहीं खत्म हो गए थे 1947 और 1950 में, लेकिन उन्होंने उन टूटे मंसूबों को पूरा करने के लिए, सत्ता में आने के लिए जो जद्दोजहद की, जो उन्होंने बहुत चालाकी के साथ जो प्रयास किए, जो भारतीय समाज का खास करके जो हिंदूकरण किया, जो हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने पोषित किया, उस हिंदुत्व की राजनीति को करने के लिए, उस हिंदुत्व को पोषित करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रवाद को गढ़ा गया कि जिसमें अगर सत्ता के साथ जो नहीं है, जो सरकार की मुखालफत करता है, तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर और ज़्यादा मुखालफत करता है तो उसके लिए पाकिस्तान जाने का हुक्म भी दे दिया जाता है। ये जो सत्ता तंत्र है और ये जो विचारधारा है जिसने नए ढंग से राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव खड़ा किया है, उस नैरेटिव को भी समझने की आवश्यकता है। दरअसल जो भारत का राष्ट्रवाद था और जो है, वो इस हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद से एकदम अलग है। ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है, ये दरअसल यूरोपियन हिटलरवादी राष्ट्रवाद से प्रेरित है। जो यूरोपियन राष्ट्रवाद था, जो पहले और दूसरे विश्वयुद्धों के दौरान जो पनप रहा था, उस राष्ट्रवाद में एकल पहचान, एकल धर्म, एक संस्कृति, एक नस्ल और एक भाषा के आधार पर जो राष्ट्रवाद बन रहा था, उस राष्ट्रवाद का सपना होता था कि दूसरे राष्ट्र को कुचल करके उसे हासिल कर लेना, यानी साम्राज्यवाद का सपना। और इतना ही नहीं, वो राष्ट्रवाद अपने भीतर भी एक दुश्मन पैदा करता था। जैसे यूरोप के उस जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया था,
तो एक भीतर का दुश्मन और एक बाहर का दुश्मन खड़ा करके, उसका नैरेटिव खड़ा करके, ये यूरोप के तमाम राष्ट्रों का राष्ट्रवाद इस आधार पर खड़ा किया गया था, जिसका ख्वाब होता था साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना। लेकिन उसी दरमियान स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रवाद बन रहा था, वो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रवाद बहुल संस्कृति पर आधारित था, वो राष्ट्रवाद बहु धर्मों पर आधारित था, वो राष्ट्रवाद तमाम भाषाओं का सम्मान करने वाला राष्ट्रवाद था। और इतना ही नहीं, उस समय का राष्ट्रवाद, उस समय जो राष्ट्रवाद बन रहा था, वो अपने और तमाम जो उपनिवेशवाद के शिकार जो मुल्क थे उनके साथ मैत्री भाव रखने वाला भी राष्ट्रवाद था। मसलन जब भारत स्वाधीनता आंदोलन में शरीक था तब उसकी दोस्ती इंडोनेशिया से भी थी, चीन से भी थी, और ऐसे ही तमाम औपनिवेशिक मुल्कों के साथ उसकी दोस्ती थी, और एक दूसरे की आज़ादी के लिए वो परस्पर सहयोग भी कर रहे थे। ये भारत का राष्ट्रवाद था जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर भाषा और हर धर्म का सम्मान था। लेकिन पिछले 60-70 सालों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, या मैं उसके और पहले बात करूं तो विश्व हिंदू परिषद और उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं बजरंग दल से होते हुए, और उनके जो पुरातन राजनीतिक संगठन हैं जनसंघ और रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा, इन तमाम राजनीतिक दलों और तमाम सांस्कृतिक संगठनों का जो सपना था, वो सपना था हिंदू राष्ट्र बनाने का। यानी पाकिस्तान अगर इस्लाम के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बनता है तो वो चाहते थे कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र हो। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनने में खराबी क्या है, क्या हम अपने धर्म को प्यार नहीं करते? बेशक हिंदू अगर कोई है अपने धर्म को प्यार करता है, वो अपने धर्म को प्यार करता है, अपने मुल्क को प्यार करता है, अपनी भाषा को प्यार करता है। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो बेहद खतरनाक फिनोमिना है। वो इसलिए खतरनाक फिनोमिना है कि उस 50 के दशक को याद कीजिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ये बात कहते हैं कि हिंदू कभी एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। और इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हिंदू तमाम उन्हें हजारों जातियों में विभाजित है। तो हजारों जातियों में विभाजित एक धर्म कैसे एक राष्ट्र बन सकता है? लेकिन इतना ही नहीं, एक धर्म के आधार पर राष्ट्र की अपनी ढेर सारी सीमाएं होती हैं, और सीमाएं ही नहीं, उसकी ढेर सारी मुश्किलें भी होती हैं, और वो मुश्किलें हमारा पड़ोसी मुल्क भी झेल रहा है। और अगर हम एक धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ चलते हैं तो वे मुश्किलें अपने आप आती हैं। लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब तो उस मनुस्मृति के आधार पर या उन तमाम पौराणिक जो आचार संहिताएं हैं, तमाम स्मृतियों पर आधारित जो आचार संहिताएं हैं, उसके आधार पर हिंदू धर्म स्थापित होता है। और अगर उसके आधार पर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम समझ सकते हैं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो जिसे आज हम बहुजन के रूप में पहचानते हैं, जो अपने प्राचीन काल में शूद्र के नाम से जानी जाती थी, जिसमें स्त्रियां भी शामिल होती थीं, वो जन्मजात रूप से पराधीन हो जाएंगे। जो थे पहले वो उसी रूप में वो उनको देखना चाहते हैं जिसे हम सवर्णवादी मानसिकता के लोग कहते हैं। वे लोग आज भी उन शूद्रों को, जिनके लिए कभी केवल सेवा निर्धारित थी, सेवा करना निर्धारित थी, आज भी उन लोगों को उसी रूप में देखना चाहते हैं। और अगर हम उस प्राचीन मिथक परंपरा को या प्राचीन इतिहास को याद कर लें तो आज का जो इनका हिंदू राष्ट्रवाद का सपना है उसकी सारी तस्वीर नुमाया हो जाएगी। और वो क्या था कि एक शूद्र अगर राम कथा में वो अगर केवल तपस्या करने लगता है तो ब्राह्मणों के कहने पर राम उस शूद्र शंभू की हत्या कर देते हैं। क्या आज के समाज में
इस तरह की घटना को आप ठीक मान सकते हैं। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का जो मसला है कि एक एकलव्य जो शूद्र है वो द्रोणाचार्य को गुरु बनाना चाहता है, लेकिन उनके इनकार के बाद वो उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके उस मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। और जब द्रोणाचार्य को ये पता चलता है, उसके कौशल को जब वो देखते हैं, तो उससे उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। साथियों, क्या इस देश में शूद्रों को पढ़ने लिखने से जो जेएनयू में हो रहा है, क्या उनके ये अंगूठे काटने का षड्यंत्र नहीं है? जेएनयू में तमाम उन समुदायों को उस आरक्षण के विशेष प्रावधान से जब बाहर किया जा रहा है, तो मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि दरअसल वो शूद्र वर्ग के उस अंगूठे की काटने का ही ये प्रयास है, ताकि वो पढ़ लिख नहीं सके और वो इनके अपने हिंदू राष्ट्रवाद के सपने के अनुसार उस व्यवस्था में वो केवल इनके सेवा के लिए उपस्थित हो। इतना ही नहीं, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि उस पूरे मिथक परंपरा में और इतिहास में जो भी शूद्र या जो गैर सवर्ण अगर बौद्धिक निकला है, तो उसके साथ एक ब्राह्मण गुरु को जरूर जोड़ा गया है, चाहे वो एकलव्य हो या कबीर हो या रैदास हो और यहां तक कि शिवाजी हो, इन सब के पीछे एक ब्राह्मण गुरु की कल्पना की गई कि बिना ब्राह्मण गुरु के ये सब विवेकवान और बौद्धिक हो ही नहीं सकते। लेकिन इसी कथा में उनको स्वयं अपने गुरु से लांछित भी किया गया। तो इस पूरे डिस्कोर्स को समझना पड़ेगा, इस हिंदू राष्ट्रवाद के पीछे के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, उस इतिहास को भी जानना पड़ेगा, उस मिथक परंपरा को भी समझना पड़ेगा कि जो डिस्कोर्स पैदा करके ये आज का जो सत्ता तंत्र, आज का जो सवर्णवादी सत्ता तंत्र है, वो बहुसंख्यक आबादी को किस रूप में देखना चाहता है। और इतना ही नहीं, जो हिंदू राष्ट्रवाद की थ्योरी देने वाले गोलबलकर साहब हैं, बंच ऑफ थॉट्स जिन्होंने लिखा, जिसे मैं समझता हूं कि वो हिंदू राष्ट्रवाद की एक तरह का मैनिफेस्टो है, उसमें जो उन्होंने लिखा वो बेहद नफरत भरा है। उनकी थ्योरी में तीन दुश्मन होते हैं हिंदू राष्ट्रवाद के, वो तीन दुश्मन हैं मुस्लिम, ईसाई और वामपंथी। मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्टों को दुश्मन की नज़र से इस पूरी थ्योरी में, उस पूरी किताब में गढ़ा गया है, और वही हम लोगों ने देखा इन 5 सालों में, और उसके 5 सालों के पहले गुजरात जैसे राज्य में जहां 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, कि वहां पर किस तरीके से, या उड़ीसा जैसे आदिवासी इलाकों में, कि जहां पर ईसाई पादरी ग्राहम स्टेन को उनके बच्चों के साथ जिंदा एक कार में जला दिया जाता है, वो बजरंग दल का तथाकथित कार्यकर्ता दारा सिंह था। और मुसलमानों पर जिस तरीके से हमले हुए हैं इधर खुलेआम, और वो एकदम बेखौफ नौजवान जिनके भीतर कूट कूट करके उस हिंदुत्व का जहर भरा गया था, उन्होंने खुलेआम लाठियों से, डंडों से लोगों को लिंच कर दिया, लोगों को मार दिया। अभी तो गुरुग्राम की घटना तो अभी 1 सप्ताह पहले की है। इसी तरह से वामपंथियों को उन्होंने कभी नक्सली बताया, और जो पढ़ने लिखने वाला है, जो प्रोफेसर है, जो एकेडमिशियन है, उसके या जो सोशल वर्कर है, उसके लिए एक उन्होंने एक नया शब्द ईजाद किया कि वो अर्बन नक्सल है। ये सब कह करके उन्हें दरअसल पूरे समाज से बहिष्कृत करके, उनको प्रश्नांकित करके, उनको कलंकित करके, अपने को, अपनी विचारधारा को, यहाँ तक कि अपने हिंसा को जायज ठहराने का काम ये सत्ता तंत्र बहुत सुनियोजित तरीके से कर रहा है। लेकिन
ये इस देश के लिए बेहद विडंबनापूर्ण है। ये मुल्क सदियों से, हजारों सालों से बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और यहाँ तक कि बहुत सारी जातियों, नस्लों, बहुत सारे रंगों को समेटे हुए एक खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष की नुमा ये मुल्क रहा है। और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि ये ताकतें हैं हारेंगी, पराजित होंगी और अपने उस षड्यंत्र में कभी भी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, इस मुल्क की जो आत्मा है, इस राष्ट्र का जो ख्वाब है, वो ख्वाब लोगों की एकजुटता, लोगों का कि जो तमाम विभिन्नताएं हैं उनको समेटे हुए एक सुंदर से मुल्क के रूप में ये हमारा राष्ट्र होगा, रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन मित्रों, इस बात को बार बार समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भेड़िए न जाने किस रूप में हमारे सामने आएंगे, कभी ढोल पीटते हुए, कभी बांसुरी बजाते हुए और कभी अलग अलग किस्म की नौटंकी करते हुए, यहाँ तक कि भाइयों और बहनों कहते हुए कभी विलाप करते हुए भी हमारे सामने आएंगे। इन्हें कभी रोना नहीं होता है किसी के लिंच होने पर, दलितों को पीटे जाने पर, दलित औरतों के साथ बलात्कार होने पर, ये कभी परेशान नहीं होते किसानों की आत्महत्याओं पर, ये कभी विचलित नहीं होते नौजवानों की बेरोजगारी पर। ये विचलित होते हैं तो सिर्फ सत्ता जाने के डर से, और आज के जो हालात हैं उन हालातों में ये फिर से हमें एक नए नए किस्म की नौटंकी देखने को मिलेगी। लेकिन हमें सजग रहना है, बहुत सावधान रहना है, इन ढोंगियों को, इन पाखंडियों को, और सीधे तौर पर इन हिंदू राष्ट्रवाद के ध्वजवाहकों को समझना होगा, इनसे सचेत रहना होगा कि इस देश की मिट्टी में सारे रंग बसते हैं, इस देश की मिट्टी में बहुत सारे धर्म, संस्कृतियां, नस्ल, जातियां और रूप रंग बसते हैं। इसको तोड़ने की जो साजिश करेगा, इसको मिटाने की जो कोशिश करेगा, वो खुद मिट जाएगा। ये राष्ट्र, ये देश, ये समाज उसी तरह से रहेगा जैसे रहता आया है। ये बात मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 50 के दशक में भारत के साथ साथ करीब 40 और देश आज़ाद हुए थे। उन 40 देशों में, उन तकरीबन 40 देशों में केवल एकमात्र भारत है जो आज उसी रूप में सुरक्षित है जिस रूप में वो 15 अगस्त 1947 को था, वरना उन तमाम देशों के न जाने कितने टुकड़े हो गए। जो एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बना था, जो इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना था, वो भी दो भागों में बट गया। बांग्लादेश के रूप में एक नए मुल्क का जन्म हो चुका है, और सोवियत संघ से लेकर के यूगोस्लाविया तक कितने टुकड़े हो चुके हैं इन देशों के। लेकिन भारत आज भी उतने ही, उसी रूप में, उतनी ही ताकत के साथ सुरक्षित है, और सुरक्षित इसलिए है कि हिंदुस्तान की आवाम एक सजग प्रहरी की भूमिका में है। वो कभी कभी किसी के छल कपट से धोखा खा जाती हो, लेकिन वक्त आने पर उसे सब याद आता है और वो अपने आप को संभालने, समाज और राष्ट्र को संभालने की कुवत भी उसमें होती है। तो मैं फिर से जेएनयू के उन नौजवान छात्रों की उस संघर्ष की परंपरा को याद करते हुए, और अभी उनके भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए और ये कहते हुए कि जेएनयू के प्रशासन को उस नींद से, राक्षसी नींद से जागना होगा, और इस सत्ता तंत्र को, इस फांसीवादी सत्ता तंत्र को चेताता हूँ कि अगर जेएनयू को मिटाने की कोशिश करोगे, लोगों के संघर्ष को रोहित बेमुला की तरह उसकी हत्या करने की कोशिश करोगे, तो ये मुल्क, यहाँ की आवाम, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान पलट करके जवाब देगा, और ये वक्त आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस
एपिसोड में इस बात को, इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद।